कुकी ज़ुबैदा खान के किचन में आप लोग का बहुत बहुत वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। देखिए आज हम सिरी पाए बनाने जा रहे हैं। 2 चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच मैंने अदरक का पेस्ट ले लिया है, 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट। ये देखिए दो बड़े साइज़ के मैंने प्याज काट लिए इस तरीके से, 1 तेज़पात, 5 मैंने सफ़ेद इलायची, 1 काली इलायची, 10 मैंने काली मिर्च ले ली है और 5 मैंने लौंग ले ली है। देखिए हमने इस चम्मच के नाप से 2 चम्मच तेल डाल दिया है, मेरा तेल भून गया है। अब देखिए इसमें मैं प्याज डाल दूंगी। प्याज जब थोड़ी लाल हो जाएगी तो मैं इसमें लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और प्याज तल जाएगी, इसको हम निकाल लेंगे। कि हमने प्याज में लहसुन डाल के तल लिया है। अब हम ये सारी प्याज एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसमें गरम मसाला मिलाकर इसका पेस्ट बना लेंगे। देखिए हमने प्याज निकाल ली और ये गरम मसाले के साथ देखिए हम इसमें सिरी पाए को डाल देंगे इसमें, और अदरक डालकर इसको थोड़ा सा भून लेंगे, फिर इसमें मसाले डालकर चढ़ा देंगे। फिर अदरक डालकर देखिए अब हम इसमें मसाला डाल देंगे और ये मैं इसके नाप से 1.5 प्याला पानी मैंने इसमें डाल दिया है और इसको बंद करके मैं 6 प्रेशर तेज पर दे लेंगे। देखिए हमारा सिरी पाए गल गया है, बहुत ही अच्छे से ये गल गया है। अब हम इसमें ये गरम मसाला डालकर इसको खूब अच्छे से भून लेंगे। जो हमने प्याज तली हुई निकाली थी उसमें वही लौंग इलायची मिलाकर पीस के उसका पेस्ट मैंने डाल दिया इसमें और खूब ही अच्छे से इसको। देखिए हमारी सिरी अच्छे से खूब भून गई है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। देखिए हमने इस बाउल के नाप से 1.5 बाउल पानी डाल दिया है। जब इसको मैं पहले तेज पे पकाऊंगी, जब थोड़ा पकने लगेगा फिर हम इसको धीमा करके 30 मिनट। अब देखिए पकते हुए 30 मिनट हो चुके हैं। अब हमने गैस बंद कर दी है। अब इस पे देखिए हम धनिया डाल देंगे और इसको चला देंगे, फिर हम निकाल कर आपको दिखा। ये देखिए मेरे जायकेदार सिरी पाए बनकर तैयार हो गए हैं। आप लोग इनको एक बार बनाकर ज़रूर देखिएगा, कमेंट कर बताइएगा कैसे बने हैं, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली